चार दिन पहले भिलगांव परिसर में हुई घरफोड़ी का पर्दाफाश यशोधरा पुलिस थाना की टीम ने किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चार दिन पहले भिलगांव में हुई एक घरफोड़ी की वारदात सामने आई थी। इस वारदात में चोर ने घर से लाखों रुपए का सामान लेकर पसार हुए थे। यशोधरा पुलिस थाना की टीम को गुप्त जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र के राजीव गांधी नगर परिसर में 2 व्यक्ति एक दुपहिया वाहन पर टीवी बेच रहे हैं। इसी जानकारी पर पुलिस की एक टीम राजीव गांधी नगर परिसर में पहुंचे। पुलिस को देख दोनों व्यक्ति भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा कर उन्हें धर दबोचा और पूछताछ के लिए थाना ले आए। पूछताछ पर भिलगांव में 4 दिन पहले हुए घरफोड़ी का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल मानिकपुरी, अमर मिश्रा, अजय कुहार, लोकेश कोड़ोपे और राहुल उर्फ विकी कुंजू को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। जब पुलिस थाने यशोधरा नगर च्या डीबी पथकाने एक रेकॉर्डवरील आरोपी राहुल मानिकपुरी याला आणि त्याचे साथीदार इतर 4 यांना ताब्यात घेऊन जी भिलगाव येथे घरफोडी झालेली होती 4 दिवसापूर्वी तो गुन्हा उघडकीस आलेला आहे। त्याच्यासोबत त्या आरोपितांकडून एक नवीन कामटे येथील पण गुन्हा उघडकीस आलेला आहे। दोन्ही गुन्ह्याचा मिळून साधारणतः 2.5 लाखाचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे। पुढे त्यांच्याकडे इंट्रोगेशन सुरू आहे। अजून घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे। जो मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे या दोन्ही घरफोडीमधला हा संपूर्ण मुद्देमाल आम्ही हस्तगत केलेला आहे। यामधील 2 आरोपी हे कळमना हद्दीतील आहे आणि 2 आरोपी हे यशोधरा नगर हद्दीमधील आहे आणि 1 आरोपी हा भिलगाव परिसरातील राहणार आहे। यापैकी 1 आरोपी जो राहुल मानिकपुरी आहे हा रेकॉर्डवरील घरफोडीचा अट्टल गुन्हेगार आहे आणि इतर आरोपींचं क्राईम रेकॉर्ड मिळालेलं नाही आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।